अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑन अ टेबल फ्रॉम हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर। यहाँ पहले जुमले में हमें ये बात बताई जा रही है कि एक टेबल है, जस्ट कंसिडर दिस इज द सरफेस ऑफ द टेबल, और एक पिंग पोंग बॉल है यानी कि जो बहुत ज़्यादा बाउंस होती है, उस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, इस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि इट ऑलवेज बाउंसेस बैक, ये टेबल से टकरा के वापस ऊपर आती है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। जितनी हाइट से वो नीचे गिरी थी उसके मुकाबले में 2/3 डिस्टेंस से वो वापस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जब दोबारा से हाइट गेन करेगी बॉल आफ्टर बाउंसिंग फर्स्ट टाइम, तो अब जो इसकी हाइट होगी वो 81 मल्टीप्लाई बाय 2/3 होगी। दिस हाइट विल बी 81 मल्टीप्लाई बाय 2/3। और इसी तरह से फिर ये दोबारा इसी हाइट से वापस नीचे जाएगी और फिर ये 2/3 हाइट दोबारा गेन करेगी बाउंस होने के बाद। और फिर जब ये दोबारा हाइट गेन करेगी तो जो पहले रिजल्ट आया था इससे पहले प्रीवियस फॉल का जो रिजल्ट था उसको आप फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं जीपी बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे लिए यानी कि जब पहली बार उसने हाइट गेन की, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक होने के बाद जो उसने हाइट गेन की वो 81 मल्टीप्लाई बाय 2/3 थी। तो जस्ट कंसीडर दैट द फर्स्ट टर्म इज 81 इंटू 2/3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 327 जो 81 होता है एंड 27 इंटू 2 54 होता है, सो इट इज़ 54। और फिर जो दोबारा से इसने हाइट गेन की वो यकीनन 54 मल्टीप्लाई बाय 2/3 था, एंड सो ऑन। इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग फर्स्ट टाइम जो इसने हाइट गेन की वो 54 है, तो हमारी जीपी में फर्स्ट टर्म 54 हो गई। और जो सेकंड टर्म है वो 54 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, यानी कि सेकंड टर्म से मुराद क्या है, दूसरी बार ये फर्स्ट टाइम टेबल से स्ट्राइक किया, ये सेकंड टाइम टेबल से स्ट्राइक किया, तो दूसरी बार स्ट्राइक करने के बाद जो हाइट गेन की वो 54 इंटू 2/3 थी। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 318 जो 54 होता है और 18 टू जो 36 होता है, सो अवर सेकंड टर्म विल बी ऑफ 36। तो हमारे लिए बस यही दो टर्म्स काफ़ी हैं, क्योंकि इस तरह तो हम खुद ही डायरेक्टली चौथी टर्म पर पहुंच जाएंगे। वो आगे कह रहे हैं हाउ हाई डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द फोर्थ टाइम। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ फोर्थ टर्म रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर आप 81 सेंटीमीटर को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं तो फिर ये बात ध्यान में रखिएगा, फिर हमारी रिक्वायरमेंट फोर्थ टर्म नहीं होगी बल्कि फिर हमारी रिक्वायरमेंट फिफ्थ टर्म हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर डाउनफॉल से इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो 81 को अगर आप फर्स्ट टर्म मान लेते हैं तो फिर हमें रिक्वायरमेंट में फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो सवाल कर रहे हैं हाउ हाई डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द फोर्थ टाइम। तो हमें पता है कि पहली बार स्ट्राइक करने से दूसरी टर्म बनी थी, ठीक, उसके बाद फिर दूसरी बार स्ट्राइक करने से तीसरी टर्म बनी थी। तो हमें यहाँ पर क्योंकि हाइट मालूम करनी है कि वो बाउंस बैक किस हिसाब से हो रहा है, तो पहली बार वो बाउंस बैक हुआ था फर्स्ट स्ट्राइक के बाद, इसलिए हमने 81 की जगह 54 को फर्स्ट टर्म माना। लेकिन इस सवाल के करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म 81 लिख दें, फिर 54, फिर 36, डॉट डॉट डॉट, और फिर रिक्वायरमेंट में आप पांचवीं टर्म मालूम करेंगे। तो दोनों तरीकों से आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब हम डाटा देखते हैं, यहाँ पर ए 54 है, आर हमें ऐसे ही गिवन है, हमें पता है हम 2/3 से मल्टीप्लाई करवा के आगे बढ़ रहे हैं, तो आर जो है वो 2/3 है, एन यहाँ 4 है, और हमें फोर्थ टर्म मालूम करनी है, क्योंकि फोर्थ टर्म हमें बताएगी कि चौथी बार टेबल से स्ट्राइक करने के बाद ये जो बॉल है उसने कितनी हाइट गेन की थी। तो यहाँ पर हम जीपी का जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं जीपी की जनरल टर्म मालूम करने का फॉर्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, हमें मालूम करना है टी फोर, ए हमारे पास है 54, आर हमारे पास है 2/3, एन है 4 माइनस 1, टी फोर इज इक्वल्स टू 54, ये हो जाएगा 2/3 होल पावर 3, टी फोर इक्वल्स टू
54, 2 का क्यूब बनता है 8 और 3 का क्यूब 27. अब 27 वन जा 27, 27 टू जा 54, 2 8 जा 16. सो T4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. तो हमें पता चल गया कि आफ्टर फोर्थ टाइम जब वो स्ट्राइक करेगा तो ये 16 सेंटीमीटर की हाइट गेन करेगा. और अगर आप इसको सेकेंड मैथड से करना चाहते हैं, सेकेंड मैथड में हम फर्स्ट टर्म 81 ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर 54. तब आप ये समझें कि यहाँ पर 81 की हाइट से उसका डाउनफॉल हुआ, फिर 54 की हाइट पर फर्स्ट टाइम गेन हुआ, फिर यहाँ पर सेकंड टाइम गेन हुआ, यहाँ पर थर्ड टाइम गेन हुआ, यहाँ पर फोर्थ टाइम गेन हुआ. इट मींस हमें ये टर्म मालूम करनी है, दिस टर्म इज़ रिक्वायर्ड, और ये बिलतरतीब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है. तब यहाँ पर अगर आप डाटा देखें तो ए बन जाता है 81, आर वही है 2/3, एन इस बार 5 है और हमें रिक्वायर्ड T5 मालूम करना है. फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, TN इज इक्वल्स टू AR की पावर N माइनस 1, T5 इज इक्वल्स टू A का मतलब इस बार 81 है, R 2/3 है, N इस बार 5 है. तो T5 इज इक्वल्स टू 81 और 5 माइनस 1 का मतलब पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81 होता है. 81 से 81 कैंसिल और यूं हमारे पास फिफ्थ टर्म 16 आ गई. मगर आपका रिजल्ट वही होगा कि जो बॉल है इट विल बी बाउंस बैक 16 सेंटीमीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग फोर्थ टाइम फ्रॉम द टेबल. इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.